पटियाला इस दुनिया में सबसे खतरनाक बीमारी का नाम बता। दस्त। आदमी ने जिंदगी में दो ही काम रह जावे, खाना और हगना। अरे ना भाई, इस दुनिया में सबसे खतरनाक बीमारी है गर्लफ्रेंड। जब तक आदमी सिंगल रहे ना, ऐसे रहे जैसे राजा की जिंदगी जी रहा हो, और जैसे ही कोई गर्लफ्रेंड आई उसी दिन आदमी का नाश हो जावे। यो देख ले गालियों बीमारी को फोन। हेलो, कहाँ हो तुम? यार मैं एक मीटिंग में आया हुआ था, वो राहुल गांधी जी को 50 गज का प्लॉट चाहिए, तो वो दिला रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ इसी मीटिंग में हूँ, जरा पीछे मुड़ के देखो। चल मार! अरे तुम्हारी कितनी लंबी उम्र है, अभी मैं पटियाला से तुम्हारे बारे में तो बात कर रहा था, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। अच्छा दिखाओ। आ जाओ। ये हो सरप्राइज। ये क्या है जतिन? यहाँ हम बनाएंगे अपने सपनों का महल। यहाँ कूड़े में? अरे तेरी शक्ल बढ़िया ना है तो बात तो अच्छी कर लेकर, कूड़ा कैसे कह रही है तू? जतिन कूड़े को कूड़ा नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? ऐसा इस जुबान ने ना कंट्रोल में रखे कर, और कभी तेरे दिमाग में यो बहम हो कि तू एक लौती छोरी है मेरी जिंदगी में, तो इस बहम ने निकाल दियो। तेरे जैसी पता ना कितनी आई कितनी चली गई, मैं तो इस कूड़े में ही रहूंगा, तू निकल जाया। जतिन ऐसा भी क्या हो गया यार, तुम इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? तुझे बोल दी ना कि मेरे पास कॉल या मैसेज अब मत कर दियो, जा निकल जा। अरे तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं भाई, थोड़ी तबीयत खराब लग रही है। तो जतिन से मिलने गई थी ना, जरूर उसने तुझे कुछ बोला होगा। नहीं नहीं, जतिन ने मुझे कुछ नहीं बोला, मैं उससे मिल ही नहीं पाई, आधे रास्ते से ही मुझे वापस आना पड़ा। इनफैक्ट वो तो अभी भी मेरा इंतजार कर रहा होगा। चल कोई बात नहीं, रेस्ट कर ले और उसको फोन करके बता दियो, बेचारा वेट कर रहा होगा। और मैं पटियाला, क्या काम धंधा चल रहा है आजकल? कुछ ना भाई, दो तीन जिम पकड़ रखी है, उसमें ट्रेनर लग रहा हूँ, और क्या कर सकूँ मैं? यार फिर तो तू पर्सनल ट्रेनिंग भी देता होगा। हाँ भाई कर तो रहे हूँ, अपने जैसे दो तीन बालक तैयार। देखो एक दो महीना जी जा तो तीसरे महीने कंपटीशन है ही, फिर गोल्ड मेडल पक्का ही है। कैसे भाई, किसका फोन है? अरे ये कस्टमर केयर वाले है ना यार, परेशान करते रहे। प्यार व्यार होगा लगा कस्टमर केयर वाले ने तेरते। अरे कहाँ यार, मुझे पता था तुम यही मिलोगे, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो यार मेरा? भाई मेरा फोन मेरी मर्जी, मैं चाहे उठाऊं या ना उठाऊं, तू के ले वैसे। ऐसी भी क्या गलती हो गई जतिन, तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तो पहले भी कही थी, मैंने तेरी शक्ल अच्छी ना लगे, और अब भी कह रहा हूँ, तो ज्यादा टैटे मन ना करे, जैसा आई है वैसे ही चली जा। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो जतिन। मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक ही कर रहा हूँ, मैं तो ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत ना है, चल निकल ले अब यहाँ से। अरे यार मैंने उस दिन उससे ज़्यादा कुछ बोल दिया, चल एक बार जाकर उससे सॉरी मांग लेता हूँ। आसु आई एम सो सॉरी यार, मैंने तुझे उस दिन उल्टा सीधा बोल दिया, माफ़ कर दे यार। जतिन इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है यार, जब मैं तुम्हारे साथ ही तुमने मेरी कदर तक नहीं की यार, प्यार तो बहुत दूर की बात है, तुमने प्यार से बात तक नहीं की। इसे मिलो, ये बॉयफ्रेंड है मेरा, इसको मैं छोटे से छोटा काम बोलती हूँ टाइम से पहले पूरा करके देता है। अरे भाई पहली बात तो यो, जो अपनी गर्लफ्रेंड के छोटे छोटा काम कर देना उसे बॉयफ्रेंड ना, कुत्ता कहवे, और मैंने कुत्ता बनने का कोई शौक ना है। बात रही तेरे प्यार की, अगर तू मेरे से 1% भी प्यार करती ना तो अपना बॉयफ्रेंड ना बनाती। और हाँ उस दिन मैंने तेरे लड़ाई करी वो इसलिए करी क्योंकि तेने मेरी धरती माता कूड़ा कही थी। हम देसी एक बार अपने बारे में सुन लेंगे पर अपनी धरती माँ के बारे में एक बार भी ना सुनेंगे। चल हम निकल रहे हैं। सब कुछ फिट